सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमूं और भाई देसी देख बिना ब्रेक। और फिलहाल ब्रेक लग गए हैं, मतलब हम सोचा थे ब्रेक लागेंगे चोरी की वारदात पर, लेकिन कौन लग रहे ब्रेक, चोरी बढ़ने लग रही है कैथल में दिन प्रतिदिन। और हमारा पड़ोस में चोरी होगी फिलहाल, तो हमारा पड़ोसी हमारा ऑफिस में लिया कैथल वाला में। पहले तो मार्केट से राम राम दो भाई। राम राम भाई सारे ने। क्या नाम भाई? कुलदीप सैनी है जी। अच्छा, राम राम जी। रमेश जांगड़ा जो की लगभग 150 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से। एक मिनट दिखाऊं, ये आरसी देख लो भाई। और ये यादें हैं तेरी मोटरसाइकिल तो बढ़िया, तेरी उसकी याद दे भाई। वही वह मोटरसाइकिल तो चलेगी लेकिन याद तो है उसकी। ये देखो भाई, अरे इसने फड़का रहा है इसका बाबू और धरागा इसका जानते। ये देखो, ये याद दे है। अरे उकड़ गई तेरी फोटो, और फोटो उकड़ गई वा तेरी। वह दिखाना है जिसमें तू खड़ा है उसके लिए देखियो रहे। याद भाई शेयर कर दे रहा भाई, मुद्दा गंभीर है यू। या बाइक नंबर किसे ने भी दिखे तुरंत प्रभाव थे संसार क्रांति न्यूज का जो ऑफिशियल नंबर है, दो नंबर हैं, उन पर टैक्स मैसेज छोड़ दियो भाई। ऊपर मारे नंबर लिखे हुए हैं, उस पर टैक्स मैसेज छोड़ दियो। और भाई की ये बाइक है, और देखिए एक बार तो नू फीलिंग आवा इसमें भी, या इमोशनल भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा यूँ भाई। कोई बात नहीं, हिम्मत रख, हौसला रख। मेरे ख्याल राजीव भाई भी है। राजीव भाई, चोरी का मुद्दा है। सारे दर्शक हैं, राम राम। चोरी का मुद्दा है बहुत छोटा मुद्दा, मान के देखे जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर प्रशासन की देखे जाए तो प्रशासन का तो कुछ नहीं, हाँ उनके लिए कुछ नहीं है। जो एक मजदूरी दिहाड़ी नौकरी किसी के नीचे काम करके ले आवा है ना, वो दो महीने में चार महीने थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा करा है कि हाँ मैं दिवाली ये तीज त्यौहार पे कोई बात नहीं मैं अपनी सुविधा संसाधन के लिए ले लूँगा। मगर अचानक से खड़ी करके जावा है दुकान में, बड़ा है घर में आवा है किसी के, और बाद में पता लगा कि फिर वो काम हो गया, भला ए भी हो गया, ए भी हो गया, भला ए की हो गया, बाइक देखा तो पाई नहीं। मैं सारी बताऊंगा, पूछूंगा बारीक के तो भाई ने। अरे एक रूप समस्या राजीव, अपना कैमरामैन नियमित गणगस वो इनकी बाइक उधारी मांगी ले जा रहा था, दिक्कत तो आपने भी होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे कैमरामैन को भी होगी क्योंकि इनको भागना पड़ा ना जल्दी जल्दी फील्ड में, रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं। सूत्र भी तो अपना, हाँ गुप्त सूत्र, ऐसा गुप्त सूत्र मतलब समस्या तो भाई आपके साथ नहीं है, आपके साथ साथ जुड़ी जुड़ी हमारे साथ भी होगी। तो एक रमेश जांगड़ा है बैठे है पेवा चौक पर, 150 दिन हो गए लगभग, और उनको है मन तो भाई साइकिल चाहिए जो मेरी थी है, ये ना बाइक नहीं मिली नहीं वाह भाई, मैं बैठूं अंदर जांगड़ा लो है। अच्छा, हमारा कैमरामैन का छोसा उठ गया भाई, यूं अगर रमेश जांगड़ा तो मैं बैठूं जो इसकी बाइक नहीं मिली, तो उसका साइकिल बदल कौन बैठा दूं सिलेंडर लिया, किसी की गोभी लिया मंडी में, सब्जी लिया किसी के बालकन छोड़ कर आंदा। अरे भाई के बराबर कितने काम कराया करता, कौन ही काम कराया करता, बिल्कुल करे करता। वो तो जो बता रहा है वो दो तीन पहले भी काम करवाए धरने में बैठ कर, मगर ये उसका ये बैठना इतना डेढ़ के काम लोगों ही कराया करता राजीव। हाँ चलो, लोग भी कुछ ना कुछ तो उसके लिए देते होगे ना, मगर वो तो मेरा कैमरामैन भाई बार बार मेरे के लिए हो गया मुसीबत, मोटरसाइकिल तो इसकी हुई है। अरे दुख हो रहा है हमारा कैमरामैन अमित गणगस के, क्योंकि घना ही घिसाया था इसके, मतलब घना प्यार प्रेम प्यार भाई है, जो भी अपना आए करता काम। अच्छा पास पड़ोस में चले या ऐसे लेने दे, बता दे उन्होंने घर को गुमशुदा रंगे हुआ आई टी या पुराना, ये बता मॉडल कंपनी नाम रंग रूप शक्ल पुराना कितना के मॉडल। 2017 मॉडल थी, ब्लैक कलर की थी, HR 08 42 में उसका नंबर था, और आगे ओम छप रहा था उसके ऊपर। अपनी कमाई तो ली थी कि बाबू की कमाई? अपनी कमाई तो ली, दिहाड़ी कर करके ली थी जी, काम अपने साथ में दुकान है स्टील एल्यूमिनियम की। मतलब वह बात को नहीं, बाप का माल ली था? नहीं, अपने अपने कमा कर अपने हाथ के लिए फिर ली थी। फिर भी डर तो बाबू का भी है बीबी, डर तो है जी, घर आ जाएंगे पूछेंगे कहाँ गई बाइक किस तरह गई, ध्यान रखना चाहिए। चलो एक बार और फोटो दिखा दे,
तू भी पाछे बैठे हर दबाई का दिवस रिपोर्ट करवा दी जी, ऑनलाइन करवा दी यहाँ पे किस सेक्टर में। हाँ जी देखियो भाई, ये बीच बाइक पर कुछ नहीं है, यादें रहेगी सिर्फ यादें। और यू हाथ भी इसे डालते रहे तुम्हारा कुछ दोनों, और इसका तुम्हारा इसके गला अटैचमेंट हो रही थी बाइक के लिए। अर सुनो रहा है, मेहनत की कमाई की थी, सब तो बड़ी बात तो है। ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, कि बाइकें उठती हैं और कुछ स्पेशल लोकेशन है, जैसे हमारे बस स्टैंड या हॉस्पिटल या बैंक या मॉल या ऐसी जगह जो मेन से हटके है थोड़ी। सेक्रेटरीट में परसों भी हो गया एक ऐसा कि दो बाइकें उठ गई है, मतलब जाती कहाँ है? या तो अपने आसपास के एरिया, जैसे गाड़ियों का मामला था, गाड़ियाँ यमुनानगर से जुड़ी हुई थी और वो कहीं तो ऐसी है कि वो पंजाब में नंबर चेंज हो जाए। अपने आसपास की बाइकें कहाँ जा सकती है? या नरवाना जा सकती है या खनौरी पातड़ा पंजाब लगता है बहुत, यहाँ पे पातड़ा के अंदर आप गाड़ी कोई सी ले लो, बाइक कोई सी ले लो, दो नंबर की सस्ते सस्ते में। एक मिनट, सारे दर्शकों को कहूंगा जिला के शेयर करते रहो, क्योंकि इस बाइक, पूरा नाम बताइए भाई। कुलदीप सैनी है जी। कुलदीप सैनी की तो बाइक हुई है, सुनो, इसकी बाइक हुई है, रमेश जंगड़ा का साइकिल खुरा है यार, सुनो बात छोटी नहीं है, खू तो खूब रही है। अरे ये तो कैमरा का कहते हैं, लेकिन यदि चोर पकड़े गए तो उन्होंने समझ लो कहीं ही बाइक पाओगी, इसलिए वीडियो ना जिला के शेयर करो ताकि चोर गिरफ्त में हो और मोटरसाइकिल पकड़ी जाओ। पाछा हमने करनाल तक एक बार न्यूज़ दी थी, ओडा कम तक कम भी 28 बाइक पकड़ी गई थी, एकदम जब चोर पकड़े गए तो 28 बाइक पकड़ी गई उनका कब्जे में। और पुरानी ली थी कि नहीं ली थी? नहीं नहीं, ये ली थी। किस्त का चल, लेकिन नहीं, हाँ किस्त पूरी हो ली थी, किस्ते तो निफ्रैन हो रहा था, किस्त कम थी, किस्त पूरी हुई थी बस पिछले साल ही। ओ काम हो गया बोला, जो जो दवा ली दर्द बढ़ता गया है, दिन पे दिन लग रही है उठाने मोटरसाइकिल, कोई करे नहीं, हो निरी कार्रवाई है। कोर्ट आगे तो ठान लग रहे हैं, पेवा चौक पे ठान लग रहे हैं, लाइब्रेरियां आगे तो उठान लग रहे हैं, पढ़ने वाले बालकों की बाइक लग रहे हैं उठान। अच्छा एक मैं जरूर कहूँगे भाई, इनके पिताजी तो थोड़ा खतरा मान रहे हैं, मैं भी कह दूंगा, मेरे तो बात करा दी आपके पापा की, मैं कह दूंगा जी मेहनत की कमाई की थी हालांकि, लेकिन चोर ने टुवाण में तम मददगार हो सको हो और हौसला बढ़ाओ इसका, इस वीडियो ने जिला के शेयर करो ताकि जो चोर है वो पकड़ा जावे और चोर कोई कांड ना कर दे और अर्धूम कदे कर दे फोर। तो इसलिए कहाँ सावधान रहो, सजग रहो, सचेत रहो। सीसीटीवी कैमरे में आया कुछ? कैमरे में तो कुछ दिख नहीं रहा, कैमरे बंद हैं। मित्तल हॉस्पिटल के पास अंदर गए, मैं कैमरे हैं जी, कैमरे चेक करने दूंगा भाई, खराब हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। मैं तो हॉस्पिटल गए, कैमरे बंद है, किसके कैमरे? कैमरे की बात कल की, कल 4:30 बजे की शाम की बात, 4:30 से 5:30 के बीच में उठी है। एक टाइम भी हुआ है जो कर मीडिया का प्राइम टाइम हुआ है, चोरों का भी एक प्राइम टाइम है। एक तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में करें आजकल चोरी, सुबह सवेरे भी लोग तो सैर करने में बिजी, पाछे इधर में चोरी लगातार। इनके पीछे गर्मू भाई, मेरे को तो बहुत बड़ा प्रशासन का हाथ लगता है। पीछे पुंडरी में भी हमारे एक ऐसा मामला आया था कि एक बंदे से ही 25-30 मोटरसाइकिल बरामद की गई, हालांकि वो कुल्ला धड़ाके से घूम रहा था। ऐसे ही हमारे कैथल में हो रहा है, पीछे चोरी हो जाती है बाइक के, सीसीटीवी कैमरे में जा जाती है, पकड़ नहीं आता। प्रशासन को पता है, सब कुछ पता है, हालांकि जब उनके पास शहर में होते हुए कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आ गई है तो शहर से कैसे निकल सकता है? चारों तरफ तुमने नाकाबंदी लगा रखी है तो बॉर्डर तुम लगते हो, तो मतलब हो क्या रहा ये? अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमने पहले भी कह रहे कि हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी थकवाएंगे। कई जगह पे इसी बात नहीं है भाई, बेरा नहीं होता पुलिस ने, बेरा तो हुआ है, कुछ प्रोफेशनल चोर भी हुआ है, भला सबको खबर है, सबको पता है, कुछ प्रोफेशनल चोर हुए हैं जिनका कुछ जुगाड़ पानी महीने का शायद तो है भी नहीं है, हाँ, पता नहीं है, 5-7 आए पुलिस वाले ने सब पता भाई कौन सा किसका कड़ागा चोर कड़ सा नहीं है। बात पूरी कर लूं, कुछ पुलिस मतलब जो कुछ प्रोफेशनल चोर हो उनका कुछ मंथली जाया करे, वो मंथली जानदार है तो भाई पुलिस खतर चोर कौन पांदे को नहीं ना, फिर कौन पांदे अर्जे में देना छोड़ दे या फिर कितने न कितने वो पंगा पुलिस के ले ले, फिर वो पताल में तो बिगड़ लाऊंगे।
तो हम पुलिस से भी कहूँ आड़ते आड़ा इसमें निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए चोरा ने पकड़ो ताकि चोरी की वारदात है कैथड़ वासियों ने निजात मिले, क्योंकि क्राइम की बात करो वो भी बढ़ रहा है, चोरी की वारदात में बढ़ रही है, चोरी दिन पे दिन बढ़ती जान लग रही है, रोज बाइकें उठने लग रही हैं, कभी लाई कोर्ट आ गया था, कल परसों कोर्ट आ गया था, दो बाइकें उठ गई, कल भी उठी, आज हमारे साथ आ रहा था, मैं जिस टाइम थाने में जा रहा था एक बंदा ने कभी मेरी भी कोर्ट आ गया था उठा कर लेके गए सारे आम पुलिस वाले बैठे रोड जद भी लेके गए उठा गए। अच्छा एक और जोगिंदर की भी कौन क्या नंबर चलो आपकी भी जिसकी भी बाइक चोरी हो रही हो वो कमेंट करके बता दियो और इसने वीडियो ने जिला का शेयर करियो। अरे यू अमित रुक का मरता होता बोला चोरी होगी मारा किसके चोरी होगी फिर मेरा बेटा चोरी हो रही है चोरी को नहीं चोरी हो रही है चोरी तो कहूँगा यार दर्द हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल चलो जिला का शेयर करियो और हम प्रशासन तक अपील करा हाँ भाई चौकसाई बढ़ाओ दिवाली का आसपास ये चीज़ और बढ़ जाए दिवाली का आसपास ये वारदात तो और बढ़ जाए क्योंकि बहुत सारी दुकानें सजी तजी भी होंगी अपना काम में बिजी होंगे दुकानदार भाई तो चोर जो हैं उस व्यस्तता का फायदा उठावें उसका नजायज़ फायदा उठावें और वह अपना हाथ की सफाई दिखा जाए। लग रहा है प्रतापगढ़ तक मैसा लेके डेयरी में तो खोल गया बताओ मैं ऐसे लेके साइकिल लेके खोल गया मोटरसाइकिल तो कोई सौदा ही कोनी है खड़ी है कोई किसी की भी ले जाएगा ठाकर नू तो जब बंद डेयरी में तो मैसा लेके ना ठाक है अगर अपनी बाइक ने कोई बात नहीं हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि अपनी बाइक को सेफ खड़ी करेंगे कोई बात नहीं मगर करूं भाई इसमें एक चीज देखने वाली है कि इतने सारे कांड हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनली चोर होगा कोई मजबूर होकर चोर चोरी करता होगा कोई अपने नशे के पूरी करता होगा मगर कहीं ना कहीं तो सिस्टम की नाकामी है शहर में व्यवस्थित करने में बिल्कुल और अधिकारी बनते हैं इंटरव्यू लेके आते हैं ना देके आते हैं बिल्कुल प्रोफेशनली कि हाँ उसमें कुछ गट्स होते हैं कुछ टर्म कंडीशन होती है स्टेप्स होते हैं उनको क्लियर करने के बाद ही कोई अधिकारी पहुंचता है उस लेवल पे ये छोटी छोटी समस्याएं हैं अधिकारी राजीव भाई गहरी बात आपने बताई है नशा नशा भी एक कारण है नशे की वजह से तभी चोरी करे हाँ वो मजबूर हो जाए और इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कौन कौन खुश है कि हमारे बेटा हमारा भाई इन सब को प्रतिबंध करने की जिम्मेवारी प्रशासन की प्रशासन की है अधिकारियों की है जो जिन्होंने शहर की जिम्मेवारी ले रखी है तो वही लोग इनके जिम्मेवार हैं तो या तो उनको दुरुस्त कीजिए या फिर ऐसे ऐसे टोंट मीडिया के माध्यम से लोगों के माध्यम से सुनते रहिए वीडियो ना जिला के शेयर करियो शेयरिंग का बबाका ठह दो शेयरिंग का धुम्मा ठह दो शेयरिंग का बकड़ पैट दो शेयरिंग का तैर दो फतूर ताकि कुलदीप भाई की नहीं पूरा कैथल की जो चोरी तो दुखी हैं अपराध तो दुखी हैं उनकी समस्या हो सके दूर और कुलदीप हिम्मत राख भाई कोई बात नहीं आम गेला हाँ और तेरा नंबर भी आ लिया इसमें और कहाँ से करने तो फुर्सत नहीं पुलिस वाले ने अच्छा ना एक आधे बल्ला लें तब सही बाजी तो देखे हमने चलो चौकसाई रखने की जरूरत है भाई और कोई नहीं हिम्मत राख कुलदीप मिलेगी आपकी मेहनत की कमाई है हम भी भगवान से प्रार्थना करा हाँ चा तो चोर सुनता हूँ हमारी बात भाई अरे तू है दया कर ले मेहनत की कमाई मामे को अरे चोर तू है सुन ले पुलिस तो टुवाओगी कि नहीं टुवाओगी थामे कर लियो कि मैं थाम करके खा लियो थाम इसे से काम छोड़ दो हालांकि चोर देख दे भी उम्र माने तो करके खा लियो भाई ये मेहनत करके खा रहे हैं अपना इनकी मेहनत पर डाका ना मारो और करके खाओ मेहनती बनाओ मेरे पे बहुत से ऐसे उदाहरण है जो चोर थे लेकिन उनका किसी ने अकल दी और वो पढ़े मेहनत उन्हें करी और वो जज भी बन गए एक आधे ऐसे भी उदाहरण है तो तुम भी पढ़ कर मेहनत करके आगे बढ़ सको हैं हाँ हाँ बिल्कुल खूब उदाहरण चलो जिला का शेयर करते हो भाई बहुत बहुत धन्यवाद मैं उतारा देसी पत्रकार करमू जय हिंद और जय हरियाणा कहूँ तो जिला कहूँ लेकिन भितर तो आवाज जब लिखड़ है नहीं आ तो ऐसा लग गई सी चोरी की वारदात देखा नहीं जी तो के तो जय हरियाणा और के बोले हरियाणा एक हरियाणा एक और के दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा आड़ा रहो चोरों का आना और जाना वो काम हो करते सिर्फ।